अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे लोगों, वक्त हो चुका है इस बात का कि जाना जाए आप कौन हैं, क्यों हैं, कहां से आए और अब तक क्या कर रहे हैं और इसके बाद आगे क्या करना है। जी हां दोस्तों, इन सब चीजों को मिला दिया जाए अगर तो बनेगा कराची मेंट्री। जी हां दोस्तों, पास से जुड़ी हुई एक और हसीन इमारत। वैसे तो हम आपको यहां ला चुके हैं तकरीबन कोई 15 से 12 एपिसोड्स कबल, मैं यहीं खड़ा हुआ था, इससे थोड़ा सा दूर, और बड़ी खूबसूरत एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि इतनी बड़ी एक ऐसी मटके जैसी चीज आज तक सलामत है वहां, वो क्यों? तो पता लगा वो संदील है, और संदील कहते हैं उर्दू में घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए पानी रखे हुए एक बहुत बड़े से प्याले को। दोस्तों वो थी केपीटी बिल्डिंग और उसकी बिल्कुल एडजेसेंट है आज हम मौजूद कराची कस्टम्स हाउस के सामने। जी हाँ दोस्तों, और पीछे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि फॉरन बताऊंगा तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मगर बताता हूं। ठहरिए। DGTR, that means Director General of Training and Research Customs। दोस्तों एक बड़ी लंबी दास्तान है, कहां से बात शुरू हुई, कहां तक पहुंची, कस्टम्स क्या है, ये सब बातें भी होंगी क्योंकि कराची मेंट्री एक ऐसा शो है जिसमें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इमारत से मुंसलिक वाकयात और हस्तियां शामिल हैं। कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड टू K21 विद माय शो कराची मेंट्री। एक हसीन फ्रंट, कोशिश की जाती है कि कोई भी जब चीज प्रोडक्ट डिजाइन हो रही होती है, बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, कोई मुख्तलिफ किस्म का कंस्ट्रक्शन हो, तो उसका मुंह जो है, जो उसका फ्रंट है, वो बहुत अच्छा बनाया जाता है क्योंकि जाहिर है सबसे पहले उस पर निगाह पड़ती है। इस थ्योरी को देखते हुए उस दौर के लोगों ने इस कस्टम हाउस को फ्रंट से इतना हसीन डिजाइन किया है। आप गौर से अगर देखें तो बीच में एक खास किस्म का बहुत बड़ा दर है जो कि बेसिकली दो फ्लोर्स, और फ्लोर्स भी कैसे 18-18, 17-17 फुट की छतों वाले दो फ्लोर्स, तकरीबन समझें कि 40-50 फुट तक एक दर जा रहा है जो कि ऊपर से एक छोटी सी खिड़की नजर आती है, मगर करीब जाके देखें तो वो मेन डोर और पूरा दरवाजा है ऊपर तक। उसके नीचे वही बहुत पुरानी, मैं अपनी हर एपिसोड में बोलता हूँ कि वो क्लिफ्टन ग्रिल नजर आती है, वो जाली, वो बोतलों वाली जाली, ये कराची का ट्रेडमार्क है, आपको पुराने अक्सर नॉर्थ में बने हुए घरों में भी नजर आएगी, क्लिफ्टन में पुराने घरों में नजर आएगी, लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे, फॉलो करते थे और अपने आप से अपनी तारीख से जुड़े रहना चाहते थे, बहुत जरूरी है ये। ऐसा ही ये दर जो कि बेसिकली मेन एंट्रेंस है, उस जैसे दो कोने इस बिल्डिंग की सिमेट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एक तसलसल खूबसूरत सा बना रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि फ्रंट बहुत खूबसूरत है। और मेरे पीछे जो कोना है, वाह 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 क्या सीन नजारा है, इसके ऊपर कराची कस्टम्स का झंडा लगा हुआ है और उस झंडे के नीचे अगर आप गौर से हमारा कैमरा दिखा पा रहा हो तो क्वींस ऑफ विक्टोरिया, यानी कि उस दौर की क्वीन का क्राउन बना हुआ है जो कि ब्रिटिश रूल को डिपिक्ट कर रहा है, और उसके नीचे एक मुंडेरी है और उससे ऊपर कई सारी मुंडेरियां हैं जो कि बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड बेसिकली ये इसकी खूबसूरत है, और आम इस्तेलाह में टेक्निकल लोग जो काम करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम सब देखते हैं इसलिए सबको उनकी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, ये इसकी शो है। उसके नीचे खास विक्टोरियन दौर का एक दर है जिसके अंदर एक छोटी खिड़की है, और उसके नीचे एक और छोटी खिड़की है, और उसके भी नीचे एक रोशनदान है, और उसके दरमियान कई खूबसूरत दरवाजे हैं जो कि पुरानी ब्रिटिश दौर की मूवीज के अगर आपने कुछ ज़रा ग्लांसेस याद करें तो पुराने बहुत ज़बरदस्त स्टॉक हाउसेस और मुख्तलिफ पुरानी फिल्मों के ज़बरदस्त बार्स जैसी फील दिखाते हैं। तो इस वक्त मुझे एहसास ये हो रहा है कि बड़ी खूबसूरत ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के घोड़े, बड़ी बड़ी धुमों वाले, उनके पीछे हसीन गाड़ियाँ और उसमें बैठे हुए उस दौर के लोग यहाँ से वहाँ गुजर रहे हैं। दोस्तों ये जगह बड़े प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँची है, जिस जगह आपको इससे पहले खड़ा में नज़र आया था वो जगह बेसिकली इंपीरियल कस्टम हाउस कहलाती है, और अब वो ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है। बाकी मामला कस्टम्स के इस बिल्डिंग में होते हैं, और इसके पीछे एक नई बिल्डिंग है दोस्तों, और उस नई बिल्डिंग में अब मामला जिंदगी कस्टम के जो हैं, तो आजकल के सब ऑफिसेज हैं और आजकल के सारे काम हैं वो चल रहे हैं, हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। ओह बहुत सारी बातें बता दी ना, याद नहीं रह पाएंगी, चलें छोटी छोटी करके बताता हूँ, आते रहिए मेरे साथ।
आइए जरा मैं आपको ये बताऊं कि किसी कौमी विरसे को तरीके से बचाया कैसे जाता है टेक्निकली। वैसे तो खैर बड़े मॉरल्स चाहिए, बड़ी हिम्मतें चाहिए इस काम के लिए, मगर कुछ एक ख़ास फोर्स होती है जो इस बात को समझती है कि पुराने पत्थरों को कितना साफ करना है कि वो टूट ना जाएं। रोमन्स और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स पे पड़ी हुई जो धूल है ये भी अरबों डॉलर्स की है भाई, तो हम क्यों पीछे रहें। आइए आपको बताता हूँ कि दरवाज़ा जो, बल्कि कई दरवाजे जो आप इस पूरे फ्रंट पे देख रहे हैं, ये खूबसूरत मेपल वुड के हैं और ये 1912 में जड़े गए दरवाजे हैं और 1912 से अब तक ऐसे कैसे नजर आ रहे हैं। इसको एक खास किस्म की पॉलिश डेवलप की गई है साफ करने के लिए, उससे साफ किया गया है और बाकायदगी से धोया नहीं गया है, बल्कि उस पॉलिश को वहां वहां लगाया गया है जहां जहां से जरूरत थी और बाकी हर चीज को, और खास तौर पे जो ब्रास नट्स हैं ऊपर, उनको उसकी पॉलिश से साफ किया गया है। और ये बहुत खूबसूरत और हसीन दरवाजे तसलसल से पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं और इन दरवाजों के बिल्कुल बराबर खूबसूरत गोल मेहराबों वाली बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनके ऊपर आधे आधे रोशनदान हैं। इन खिड़कियों के बारे में मैंने आपको पोर्ट ट्रस्ट वाली एपिसोड में भी बताया था कि एक खास डिजाइन से आरास्ता किया गया है और डेफिनेटली उसी दौर का काम है और ओरिजिनली उसी दौर का है ये, तो उसी जमाने के खास किस्म के नक्कूश पाए जाते हैं इसके अंदर और इन दरों के चारों तरफ भी तकरीबन वही सब कुछ नुमाया है। दोस्तों ये दर जिनका जिक्र कर रहा हूं मैं, ये खूबसूरत स्लाइडिंग डोर्स लग रहे हैं जबकि स्लाइडिंग नहीं है, ये खुलते हैं और इनके ऊपर भी बहुत बड़े रोशनदान हैं और ये बहुत बड़े रोशनदान छोटी छोटी चौकटों से आरास्ता हैं और इन दरवाजों के चारों तरफ भी वही डिजाइन है। क्या हसीन जबरदस्त मंजर है। जहां मैं हूं उस वक्त, आपको अपने अल्फाज में बताऊं, अगर सर उठा के मैं ऐसे देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी आर्टिस्ट को तैनात किया गया है कि शहर के 400-500 आर्टिस्ट जमा करो और हर एंगल खूबसूरत करो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि यहां से मुझे मुंडेरियों के कोने आगे निकले हुए मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स से और कुछ और खिड़कियों के कोनों के आगे निकले हुए पट से ज्यादा जरा सा आगे निकला हुआ बाहर का छज्जा, ऊपर भी नीचे भी और उनसे ऊपर कुछ छोटी छोटी टुकड़ियों में बनी हुई किनारियां नजर आ रही हैं और ये सब कुछ मिलकर एक हसीन मंजर पैदा कर रहे हैं। कमिंग बैक टू दिस रोड, इस रोड के बारे में आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं क्योंकि मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब से हमने हमारा शो कराची मेंट्री शुरू किया है, हमें पता लगा कि हम जैसे और भी बहुत जबरदस्त लोग हैं जो कराची को उसी तरह वापस देखना चाहते हैं, ओल्ड कराची को पॉलिश करके ऊपर लाना चाहते हैं और यह हमारा मिशन भी है कि हम आपको यहाँ वो सब कुछ दिखाएं जो यहाँ पर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आला ओहदों पे फाइज अपने अपने फर्द अंजाम देते हुए बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ये रोड जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, एक बड़ी खूबसूरत टाइल रोड है जो कि मुझे समा दे रही है 18वीं सदी के एंड का और मुझे विक्टोरिया चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। इस रोड का नाम है एडल जी डिनशॉ रोड। इसके ऊपर दो खूबसूरत चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद और इस रोड पर जिस तरह लाइटनिंग का काम हुआ है उसी दौर के खूबसूरत गोले लगाए गए हैं और यहाँ पर पोर्चुगीज के ज़माने का एक मॉन्यूमेंट मौजूद है। एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके आसार बता रहे हैं कि यहाँ पुर्तगाली भी मौजूद थे।
कराची कस्टम हाउस इस रोड पर वाक्य है। इस रोड का नाम है एडल जी डिनशॉ रोड, और ये इससे कबल भी मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, बताना आपको ये है कि मेरे बिल्कुल अकब में जो आप इमारत देख रहे हैं, थोड़ी सी नजर आ रही होगी और हमारा कैमरा आपको जूम इन करके भी दिखाएगा। दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो मेरे पीछे नजर आ रहा है ये एनेक्सी है, जो कि एडल जी डिनशॉ रोड पर वाक़ है, और इसको रीडू नहीं किया गया, ये किसी और अहाते में है, मगर इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये उस दौर से भी पुरानी है जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस दौर में अभी हम खड़े हुए हैं, 18वीं सदी का मिड से एंड तक और 19वीं सदी का आगाज, ये उससे बहुत पुराना है। और यही वो मॉन्यूमेंट जैसी चीज है जो मुझे यकीन दिला रही है कि मैंने जो पढ़ा था वो गलत नहीं है, कि यहाँ पुर्तगालियों की आमद हुई और उन्होंने भी काम किया उस दौर के लोगों के साथ मिलकर। यस, दिस इज पोर्चुगीज स्ट्रक्चर। इसके साथ में खूबसूरत बड़े बड़े पेडिस्ट्रियल्स जिनसे बंधी हुई ये जंजीरें, जिनको फिर देख के मैं कहूंगा कि वो घोड़ा गाड़ियों के गुजरने का रास्ता लग रहा है, और उन पर ये खूबसूरत चारकोलिक ब्लैकिश ग्रे कलर का पेंट, और दोस्तों बहुत कुछ इसके अलावा भी, और खास तौर पे कराची कस्टम हाउस की ये बिल्डिंग, अगर थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया से कट के इन्हीं चीजों को देखा जाए तो वाकई में आपको लगेगा 1912 है। क्या बात है। जी मेरे लोगों, सन 1908 में पोर्ट अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि बाई जानब जो बिल्डिंग का है वो पोर्ट अथॉरिटीज होंगी, और दाई जानब यानी कि मेरे पीछे का ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये कस्टम्स की बिल्डिंग होगी। हाँ, मगर इस बिल्डिंग का इर्तका यानी कि इसका शुरू हुआ तामीरी सिलसिला 1912 में, और तकरीबन कोई 14 और 15 के बीच में ख़त्म हुआ। और दोस्तों क्या हसीन माह पारा है, ज़रा देखें पीछे, और यहाँ रहने वालों और काम करने वालों ने किस जिम्मेदारी से कुछ हिस्से को सैंड ब्लास्ट करके आज तक उसी तरह उजागर रखा है कि एक सेकंड के लिए ग्लांस में नजर आ रहा है कि अभी बनी है ये बिल्डिंग। वेल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि आज तक जितनी इमारतें मैं आपको दिखा चुका हूँ उसमें कई इमारतें ऐसी थी जो काफ़ी मखदूश हालत में पाई गई, मगर इसको देख के लग रहा है कि उस दौर का कंस्ट्रक्शन, और ऐसा बहुत सा कंस्ट्रक्शन जो आप कराची मेंट्री में भी देख चुके हैं और इस वक्त देख रहे हैं, कुछ इतना मजबूत है कि हल्की सी सैंड ब्लास्टिंग से अपनी जगह वैसे ही बना लेता है। ये खिड़कियां जिनके ऊपर खास मेपल वुड के कवर्स हैं, बड़े बड़े ब्लाइंड्स जैसे, ये क्या हसीन खिड़कियां हैं, और इनके अंदर दो लंबे पटों वाले किवाड़ हैं, और तकरीबन इस खास किस्म की ढलान से आधी आधी खिड़की ढकी हुई है। और दोस्तों धूप से बचने के साथ साथ मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख सकते हैं तो एक गोलनुमा चीज ऊपर जा रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई वॉच टावर है। ये बिल्कुल भी कोई वॉच टावर नहीं है, उस दौर के लोग इतने सहल अंदाज में जिंदगी को बसर करते थे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इतनी अच्छी तरह एक्वायर करने की कोशिश करते थे कि बेसिकली दिस इज द ओल्ड एयर कंडीशनिंग। धूप की तपिश से जब आप अंदर बैठे हुए थक जाएं और गर्मा जाएं तो ये टावर जो है बेसिकली इज अ एयर डक्ट, यानी कि हवा लाने का इंतजाम, घूमती हुई हवा कई खिड़कियों से नीचे आती है और फिर लॉबीज में बिखर जाती है, फैल जाती है और दूसरी जानब से निकल जाती है। सो दिस इज एयर कूलिंग एक्चुअली। और क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, वही विक्टोरियन स्टाइल है जो कि 18 के एंड में और 19 की शुरू में बहुत सारी बिल्डिंगों में आपको नजर आया। ये भी तकरीबन सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि हम आपको पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग दिखा चुके हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए नया नहीं है, क्योंकि पोर्ट ट्रस्ट और ये बिल्डिंग एक ही दौर में बने और एडजेसेंट हैं, बिल्कुल सिर्फ एक पार्टीशन है बीच में और दोनों बिल्डिंगें बिल्कुल एक जैसी हैं। आइए आगे चलते हैं। जी मेरे लोगों, आपसे मैंने जिक्र किया था कि खास जगह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ एक साहब होंगे, शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो इन जालियों वाले दरवाजों को देख के सिर्फ जेल जानता हूँ, तो आप बताएंगे ये कस्टम हाउस में क्या है? ये कस्टम हाउस में एक लॉकअप है जिसमें कस्टम्स
और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो एक्ट है उसके तहत वो तमाम लोग जिन्होंने कोई भी जुर्म सरजद किया है, जिनके खिलाफ कस्टम्स ने वो केसेस बनाए हैं, उनको टेम्परेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ रखा जाता है कोर्ट की इजाज़त से, और जितने दिन का कोर्ट उनका रिमांड देती है उतने दिनों के बाद उन्हें दोबारा उस जज के सामने पेश किया जाता है। ओके। और जब वो उनको मजीद रिमांड देती है तो मजीद यहाँ रखा जाता है, जो कि 14 दिन से ज़ायद नहीं हो सकता। ओके। और उसके बाद कोर्ट के अहकाम पर उनको सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये कस्टम्स का इन हाउस थाना है। जी हाँ, इन हाउस इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉकअप है। अच्छा, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो आपके साथ पैरेलल चलती है? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के मुताबिक और अपने उस एक्ट के भी मुताबिक एक ओवरराइडिंग एक्ट है कि जो मनशियात के तमाम केसेस उसी कानून के तहत डील होते हैं। कस्टम ऑफिसर को उस कानून के तहत ये तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो किसी भी एएनएफ के ऑफिसर को हासिल होते हैं। ओके। एएनएफ के पकड़े हुए लोग भी यहाँ के बंद होते हैं? एएनएफ के पकड़े हुए लोग यहाँ बिल्कुल बंद नहीं होते। वो तमाम लोग जिनको कस्टम्स मनशियात के किसी भी केस में बुक करती है, कस्टम्स का ये एक्सक्लूसिव लॉकअप है। कस्टम्स के तहत जो केसेस बनाए जाते हैं, चाहे वो मनशियात के हों चाहे वो कस्टम एक्ट के किसी भी वायलेशन पर हों, उनके अक्यूज को यहाँ रखा जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ताबन हमें आगे भी चाहिए होगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, वो ये कि जिस बिल्डिंग के बारे में बात करते हुए हम इस प्रोग्राम को शुरू कर चुके हैं, असल में ये जेल, ये लॉकअप 18वीं सदी में वहाँ हुआ करता था, और उसके बाद जब ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग बनाई गई तो ये लॉकअप यहां कायम हुआ। है ना मजे की बात? देखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, क्या हसीन जगह मौजूद हूँ उस वक्त मैं, जैसा कि मैंने इससे कबल भी अर्ज किया था, तकरीबन 18 से 20 फुट ऊंची छत से हसीन, डेलिकेट और बहुत ही विंटेज वैल्यू रखते हुए खूबसूरत झूमर लटक रहे हैं, दो एक जैसे, बिल्कुल आइडेंटिकली एक जैसे झूमर, यानी कि शैंडलियर्स। उनमें जाहिर है कुमकुमे यानी कि बल्ब नए लग गए हैं, मगर ये खास ब्रास शक्ल का, आई एग्जैक्टली डोंट नो कि किस मटेरियल का है, मगर ये कुछ ब्रास सा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल काला हुआ हुआ है, और इसके बीच में मोतियों और हीरों जैसे नग जड़े हुए हैं, और कुछ चीज़ें जैसे शैंडलियर्स में आम तौर पर लटक रही होती हैं, जैसे कि बालियां होती हैं, उस किस्म की चीज़ों से आरास्ता है। छत जो कि बेसिकली इस वक्त हमारे ग्राउंड फ्लोर की छत है, ये कॉन्क्रीट से बनी हुई है, और लंबे लंबे बार्स जा रहे हैं, यानी कि ये वही बार्स वाली छत है जो आपको कई इमारतों में दिखा चुका हूं। हाँ, अलबत्ता यहां से एक बड़ी कमाल चीज नजर आ रही है मुझे इस स्टेयर केस के बारे में, जिसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, उससे होते हुए नजर आ रहा है मुझे कुछ खूबसूरत टीक वुड का ऐसा स्ट्रक्चर, जो कि यहां से देखने में पता लग रहा है कि इस पूरी इमारत की सबसे आखिरी छत है, और उस छत से भी एक झूमर लटक रहा है जो कि बहुत जाहिर है लंबा है, जो कि फर्स्ट फ्लोर की छत तक आ रहा है। कस्टम हाउस में आने के बाद एक बात आपकी नजर करना चाहूंगा, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जो कि हमें आज, जिन्होंने मदद की है हमारी यहाँ पर शूट करने के लिए। एक साफ सुथरा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, जो कि अपने हेरिटेज को, अपने असासे को भी संभाल रहा है, उसके साथ साथ बड़ी पावर से, बहुत दयानतदारी के साथ कस्टम का काम भी अंजाम दे रहा है, और उसके साथ साथ जैसे स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कस्टम्स के इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है जो मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर पूरा प्रोग्राम करूं उसके ऊपर तो कम होगा। हाँ, बाय द वे एक बात और आपको बताऊं मैं, कि इस सीक्वेंस के आप कई शोज देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कस्टम्स सिर्फ ये नहीं है, पोर्ट पे भी है, शिप ब्रेकिंग भी है, एयरपोर्ट भी है, तो इस सिलसिले में आप और शोज भी देखेंगे। कमिंग बैक टू दिस लॉबी, जो कि बेसिकली आम सलाह में ड्योड़ी कहलाती है, इस ड्योड़ी को बेसिकली साइज बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा हॉल है ये, जिसमें सामने कायद अजम की तस्वीर आरास्ता है, और
मेरे बिल्कुल सामने पाकिस्तान कस्टम्स का, कराची कस्टम्स का, और एक तरफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च का फ्लैग है ऐसे क्रॉस। और दोस्तों ये जमीन जो मेरे नीचे है इस वक्त और मेरे साइड में जो ये हाफ टाइल्ड वॉल चल रही है, इसका सारा मटेरियल रीडू हुआ है, पूरा फ्लोर रीडू हुआ है। मेरे बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा दर है जो कि दोनों तरफ दरवाजे लेके जा रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट, और ऐसे ही बड़े बड़े दर हैं दोनों तरफ। उस दर से पहले दो जबरदस्त दरवाजे हैं जिनके रोशनदान जो हैं वो बहुत खूबसूरत ग्रिल्स से बने हुए हैं, यानी कि वो जाली है जो कि बहुत बैजवी किस्म की गोल और स्ट्रेट लाइन है बीच में। नीचे दो पटों वाले किवाड़ हैं दोनों तरफ और ये भी उसी जमाने के हैं। हाँ, यही वो जीना है जिस जीने से आप बुलंदी की तरफ जा सकते हैं। मैं स्टेयर केसेस को हमेशा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये राइज करते हैं आपको। दोस्तों ये वही ग्रिल है जो 1912 में लगनी शुरू हुई और 15 में कंप्लीट हुई, और ये वही मेपल वुड का हाथ पकड़ने के लिए जंगला है जो कि आपको पूरे स्टेयर केस में आखिर तक लेके जा रहा है। तो आइए आखिर तक चलते हैं। अपने पुरखों की अमानत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। दोस्तों मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में हूँ, टाइल्स इस फ्लोर के चेंज हो गए। ये वो इमारत है दोस्तों जिसके बारे में शुरू से अब तक मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व हो रही है। और एक और बात आपको बताना मैं भूल गया था, यहाँ आपकी नज़र कर देता हूँ कि बैरूनी दीवार फ्रंट की जितनी भी है वो पूरी दीवार सैंडब्लास्ट नहीं हुई है, बल्कि खास तौर पे एक मशीन बनाई गई है जिससे एक खास प्रेशर से पानी इतने करीब से फिर इतने और इतने दूर से डाला गया कि इस पे से मट्टी और कुछ ऐसा जो वक्त से आ गया है, यानी कि धूल मट्टी मिक्स ओस और उसके तमाम चीजों के जमा होने से एक लेयर बन जाती है, वो लेयर हट गई है। और सोचे कितनी अच्छी बात है, यह क्या अच्छी सोच है कि पानी के प्रेशर से बैरूनी दीवारें साफ की गई हैं और कुछ जो बहुत गंदी हो गई थी वो सैंडब्लास्ट की गई है। मगर ये नीचे के टाइल्स मुझे चेंज नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये शायद ओरिजिनल हो, मगर ये मुझे लग रहा है चेंज्ड है, इसलिए कुछ कैफियत बदल रही है, ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। और सबसे बुरी जो मुझे लग रही है वो ये जाली लग रही है क्योंकि मेरे लेफ्ट ऑल अलॉन्ग यहां से लेके वहां तक खूबसूरत ऊपर से गोल और साइडों से स्क्वायरिश दर चल रहे हैं, और अगर इनमें यह जाली ना नसब होती तो ये ज्यादा खूबसूरत लगते। बहरहाल सिक्योरिटी भी बड़ी जरूरी है। मेरे दाहिने हाथ पर इंटरनेशनल सेमिनार हॉल है जिसके एक जैसे सिमेट्री में दरवाजे हैं आखिर तक, और इन दरवाजों की एक मुनफरिद बात यह है कि इन दरवाजों के ऊपर बहुत मुनफरिद बड़े बड़े रोशनदान हैं जो तकरीबन आधे दरवाजे जितने बड़े हैं, और बहुत साफ और अच्छे ग्लासेस लगे हुए हैं उनके बीच में। और इन दरवाजों के जो पट हैं, यानी कि पूरा किवाड़ जो है वो एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज का है क्योंकि छोटे शीशे ऊपर हैं, नीचे कुछ स्क्वायरिश जगहें खाली हैं और उसके नीचे दो स्क्वायर्स बिल्कुल खाली हैं जैसे अक्सर दरवाजों के डिजाइन में होता है। और नीचे यहाँ पर वही गोल बोतलों वाली दीवार है दोस्तों। खैर ये बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। इस इमारत का एक खास रुख जो हम कराची मंट्री में आपको हमेशा हर इमारत के हवाले से दिखाते हैं वो दिखा दूँ आपको कि $57,338 में ये इमारत बनी 1912 से लेकर 1915 के बीच में, यानी कि तकरीबन 2.5-3 साल। और मिस्टर जी वॉलेट जो उस वक्त कंसल्टिंग आर्किटेक्ट थे बॉम्बे के, यानी कि बॉम्बे सरकार थी उस वक्त, उन्होंने ये बनाई, डिज़ाइन की, और इतनी रकम इतनी लागत लगी इसको बनाने में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लेटर लिखा 1874 में कि हम तो ट्रेडर्स हैं, हम आप सरकार हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि हमें इस काम की जिसके लिए हम यहां आए थे उसकी सहूलत दी जाए, उसको प्रोवाइड किया जाए। उसी सिलसिले से लेकर अलेक्जेंडर क्वीन विक्टोरिया ने आखिरकार इस डिपार्टमेंट को तख्लीक अमल में लाने में मदद की, और हमारा ये कस्टम हाउस जो आज कराची कस्टम हाउस है इस सारे इर्तिका से गुजरते हुए यहां पहुंचा।
The most wonderful part of any monument is, a living monument is, that they have a museum of their own, which says it all. And definitely, yahan waqai mein jo sab kuch maujood hai, wo sab kuch keh raha hai. Dosto, ek museum maujood hai customs house mein, jo aarasta hai charon taraf har deewar par tasveeron se, records se, aur monuments ke miniatures se, magar usse sabse zyada zaruri aur aala jagah main khada hua hu. Aur ye is museum ki jaan hai, agar main kahunga to galat nahi hoga. Ji haan doston, ye hai wo khatoon jinka main bhi zikr kar raha tha, and let me read it out to you. 1873-1901, yani ki ye inka tenure hai, ye itne arse tak rahi. Her Royal Majesty Queen Alexandra Victoria approved the Sea Customs Act in 1878 and allowed Her Majesty's crown to be worn by custom officers, which was decorated on the shoulders. Epauletted and peacaps, the department name was called Her Royal Majesty Customs. Kya baat hai? Aur doston, सबसे खूबसूरत बात हमारे प्रोग्राम में एक बड़ी जबरदस्त बात होती है जो मैं हमेशा आपको एंड में दिखाता हूं, आज जरा एंड से पहले दिखा रहा हूं. मेरे बिल्कुल सामने इस ग्लास के बक्से के अंदर रखा हुआ है, आइए इसको भी पढ़ के सुनाता हूं. सी कस्टम्स एक्ट 1878, और वो मेरे सामने रखा हुआ है. दोस्तों, इस जगह जहां मैं रहता हूं, जहां आप रहते हैं, यहां जिंदगी जरे मुबादला शुरू कैसे हुआ, ये दारा जिसको हम कस्टम्स के नाम से जानते हैं पूरे पाकिस्तान को पालता है. किस नज्म व ज़ब्त के साथ चलता होगा, कितनी दयानत से ये लोग काम करते होंगे, क्योंकि इनके कंधों पे ये सिर्फ एप्यूलेशन नहीं है, ये वजन भी है कि पूरे पाकिस्तान को किस तरह पूरा डालना है. तो दोस्तों, एक दफे सल्यूट करते हुए इन तमाम ऑफिसर्स को जो मेरे सामने भी मौजूद हैं, और खास तौर पर खास हस्ती का जिक्र करते हुए जो कि इस वक्त कलेक्टर कस्टम्स प्रिवेंटिव हैं, जनाब तारिक खुदा साहब, अ जेम ऑफ अ पर्सन, अ जेम ऑफ अ पर्सन. इनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से लोगों को उम्मीदें हैं. मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में 50-60 हो जाएं तो हमारा मुल्क रातों में बदल जाएगा. अ ग्रेट मैन इस दौर से पहले, अब तो हमारा चांद तारा लगता है ना इस एपिलेशन पे, मगर उससे पहले ये ब्रिटिश इंसिग्निया जो कि क्वीन के सर पर होता था, इसकी सारी की सारी मिनिएचर्स इन मोनोग्राम्स के शक्ल में और इन स्लोगन्स की शक्ल में इन एपिलेशंस पे होती थी. और ये मरीन का लोगो है, अगर आप चाहें तो गूगल पर जाके चेक भी कर सकते हैं. वो डिपार्टमेंट है जो सारी तनख्वाहें और इनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, और उसका नाम है रॉयल ट्रेजरी इंसिग्निया यूज्ड बाय एचएम कस्टम्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट फ्रॉम 1886. वाओ, मेरे ख्याल में अगर सिर्फ इस कोने में ये प्रोग्राम शुरू करता और खत्म करता तो समराइज हो जाता, मगर डेफिनेटली आपको हमारा दिखानी है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है कराची मेंट्री. हमारे प्रोग्राम की जो कुछ खास और खास एपिसोड्स होती हैं, उनके आखिर में अक्सर कुछ ना कुछ छुपा होता है, जैसे कैन स्टेशन का इंजन का घूम जाना, या हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर उनकी कुनियत के साथ उनका शजरा बताना, या खास और खास जगहें जैसे खालिक दीना हॉल की लाइब्रेरी का असल मकसद क्या था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए उसे बतौर कोर्ट इस्तेमाल किया गया. बिल्कुल ठीक उसी तरह आज की इस एपिसोड का, जो कि कस्टम हाउस के लिए थी, और इस स्ट्रीट की जिसका नाम है एडलजी डिनशॉ रोड, इसकी लाइट्स ऑन हो और ये मैं मंजर आप तक पहुंचा सकूं कि कराची में अब ये रोड जो मशहूर थी कि यहाँ वारदातें होती हैं और लोग यहाँ आना मुनासिब नहीं समझते थे, अब यहाँ जोग दर जोग आते हैं, और जो माहौल उनके लिए आरास्ता किया गया है, चारों तरफ बेंचेस लगी हुई हैं और कुछ ऐसा माहौल है कि मुझे लग रहा है मैं पेरिस के किसी रोड पर खड़ा हुआ हूँ.
अब ये सिर्फ कराची वालों के लिए है और उन लोगों ने तामीर किया है जो कराची से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वक्त यहां होने की दो मकासद हैं। एक तो ये कि मैं आपको एक समा दिखाना चाहता था कि अगर आप शाम में किसी वक्त किसी तफरी की ख्वाहिश में बाहर निकलें और आपके बजट बहुत थोड़े हैं, तो आप सिर्फ एडलजी डिनशा रोड जो अब बनाई गई है, रीडू की गई है, यहाँ आके इन बेंचेस पर बैठ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको ये लगेगा कि आप लंदन की या पेरिस की सैर कर आए। इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, ये स्लोगन है जनाब जो इस कैप पर मौजूद है और मैंने कस्टम्स की कैप पहनी हुई है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिलहाल के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। हमारा फेसबुक एड्रेस आ गया है और हमारे फेसबुक एड्रेस में आप हमें कुछ भी भेज सकते हैं, कोई नई लोकेशन जो आप जानना चाहें, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं जानूं और लोगों को बताऊं, या कोई शिकायत या कोई तारीफ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।